भाई फायदो बहुत ही है इसो कैंप आज तक मारगा में तो लग गया कोनी ओ कैंप लग गया है अठ लखू लोगों को फायदो है लाखों रुपया बचिया है। हमारे गांव में मान लो बड़े बड़े नेता आते हैं और कह के चले जाते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन आज तक ये जो काम कर रहे हैं कप्तान साहब ऐसा काम कभी नहीं हुआ, क्योंकि गरीब आदमी है वो ना कहीं जा सकते, ना सिरसा जा सकते, ना शहर में जा सकते, उनके आज 25-30 हज़ार रुपये जो लग रहे हैं और आज यहाँ फ्रीम करवा रहे हैं तो इनका तो बहुत ही बड़ा पूरा गांव है वो मान लो तय दिल से इन कप्तान साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। तो थारो किलो पास झुकाव है फिर मारो जी नहीं है कैप्टन का नहीं मो गद्दब गया हमारे खेत में पानी आ गया जी हाँ। कैप्टन इल्ला मो गई इल्ली मोरी दबा दिया मान तो नाल कर दिया जी नाल हो रहे हो हाँ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए रायपुर गांव के सरपंच है, उनसे जानते हैं कि इस कैंप का कितना फायदा आम लोगों को मिलेगा। सरपंच साहब, आपके गांव में निःशुल्क आँखों का कैंप लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपका यहाँ गांव रायपुर में पहुंचने पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और उसके बाद जो ये निःशुल्क कैंप लगाया गया है मेरे आदरणीय बड़े भाई कप्तान मीनू जी बेनीवाल द्वारा, तो इस निःशुल्क कैंप का जो गांव में आकर जो निःशुल्क कैंप लगाया गया है इसका ग्रामवासियों को बहुत मतलब ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक तो पैसे की तो इसमें बचत है ही है, इसके साथ साथ जो हमारा एक होता है जैसे हम सिरसा जाएँ समय बर्बाद हो और हम निकल भी नहीं पाते, तो यहाँ से जैसे गृहणियाँ हैं वो अपना काम निपटा के यहाँ पहुँची हैं और इस लगभग अभी तक 450 के करीब जांच हो चुकी है आँखों की, तो मैं कप्तान साहब का पुनः एक बार से इसके मुहिम के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। इलाहाबाद हल्के के हर गांव में ऐसा कैंप लगाया है, तो आप क्या मानते हैं क्या ऐसा ये इलाहाबाद हल्के के अंदर पहली बार हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल, हमारे गाँव में जो आँखों का निःशुल्क कैंप लगाया ये पहली बार है मेरे देखने में, तो जो भी मतलब ये सामाजिक कार्य हो रहे हैं जो निःशुल्क हो रहे हैं घर घर जाकर हो रहे हैं, जैसे पीछे एक मुहिम थी हेलमेट बांटने की हाँ तो वो थी, उसके बाद खिलाड़ियों को जो टीम में मतलब क्रिकेट की किट थी और अन्य सामान था उसके लिए मैं कप्तान साहब का बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम? प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपके गांव में आँखों का निःशुल्क कैंप चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी ताकि आप हमारे गांव में आए और भी जो निःशुल्क यहाँ कैंप लगाया उसके बारे में आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं। दूसरा, मैं कप्तान मीनू बेनीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारे गाँव में ये निःशुल्क कैंप का आयोजन किया है जिससे बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, और जो लोग सक्षम नहीं थे सिरसा जाने के लिए या अदर प्लेसेस पे जाने के लिए वो यहाँ आए हैं सारे और यहाँ अपनी भी सेवाएं ये प्राप्त कर रही हैं। प्रियंका जी, मुख्य तौर पर क्या फ़ायदा मानते हो आम लोगों का? यही है कि उन्हें एक तो समय का भी अभाव देखा जाएगा हाँ, और भी लोगों को जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, हमारे गांव में ही सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी जिससे भी लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। मीनू बेनीवाल जी इलाहाबाद हल्के के हर गांव में ऐसा कैंप लगा रहे हैं ताकि लोगों को बड़े स्तर पर इसका फ़ायदा हो, आप क्या कुछ कहना चाहोगे कप्तान साहब के बारे में? यही है, अभी वो समाज सेवा क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और लोगों को इससे जो भी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही हैं भी उनके आभारी हैं हम सभी कि वो हमारे समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे गांव में बहुत सारे अन्य भी काम किए हैं जिनके लिए भी हम सारे गांव की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, क्या नाम है? रिया। हाँ जी रिया जी, क्या करते हो, कौन सी क्लास में? 11वीं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहूँ? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि हम मीनू बेनीवाल के बहुत आभारी है कि आप उन्होंने हमारे गांव में कैंप का आयोजन किया जिस जो लोग भी बाहर जाके चेकअप नहीं करा सकते वो यहां पे आके करा सकते हैं। राम राम। तो राम राम। ठीक हो? हाँ ठीक है। अच्छा, आपने थारे गांव में निःशुल्क आँखों कैंप लाग रही आज, कितना फायदा आप लोगों को? फायदा बहुत है, हम फायदा बहुत है जो कि छोटी नज़र है नहीं वह लगाते ही दिखने लग जाए चश्मा दे वह गम में सारे फायदे हुए वह जका की आँख बने बन स्पेशल है बन सावा की ले जाएगा। तो आम लोगों का कितनों को फायदा मिलो, क्या क्या फायदा है भैया? आप शहर में जावा, एक तो समय की बचत होगी और थे कि मन हो तो फायदा सो ही हो गया, एक तो मान लो बाजार जावा डॉक्टर आवा चेक करावा तो लंबर कोनी आवे 1600, फिर बाद में लंबर आवे
तो सारो टाइम है जो बर्बाद हो गयो, आठा है फटाफट है लम्बर आ गयो, तो टाइम की बचत कट गई। समय की बचत कट गई, आप ही सही होगी सारी, कोई पर्ची कौन कटानी, पर्ची एक आधार कार्ड है जमा कराओ रहा हेलो लागे जागे करवाओ आपकी। हाँ बढ़िया काम हो रही है। क्या नाम है जी? सुमन जी। अच्छा सुमन जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आपके गांव में ये निशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया? मतलब सारा फायदा है जी, सारे गांव का भी चेक करवाना आया है भी, मतलब कि जो सुविधा है देनी है वह दी है भी, जगह ऑपरेशन है वो ना ऑपरेशन बताया, जगह चश्मा लगानी है वन चश्मा लगाया है जी। हम भी बहुत अच्छे काम कर ला रहे सारा खातर जी, ठीक है। फायदो सारा काम का मतलब भीड़ गए साहब, तो भाई फायदो मिला जी आन लग रहे जी। मुख्य तौर पर क्या फायदो मानो थे गांव की गांव में जो कैंप लग रही है, उनके फायदो मानो? फायदो है जी भी हर एक जी बाजार में जागे दिखावे या ना दिखावे भी हर तो ऑल टोटल भी सारा दिखाना आ रहा है जी। ठीक ठीक। क्या नाम है साहब? प्रकाश जी। प्रकाश जी, थारे गांव में आंखों को कैंप लग रही है, कितनों को फायदो मिलेगा हम लोग? घणो ही मिलो जी, सारा गांव में करा लग रही है कुछ एक अच्छा फायदो मिलेगा। अच्छा जिनानी है आदमी सारे गांव में कराओ जी, फायदो जी। मैं एक आंख बुलवाई सर से 9000 रुपया लग गया। अच्छा अब जी लड़की को लग गया नजर तो समान नजर कमजोरी सारे की, तो दीदी मेरे तो फायदे होगी जी। अच्छा तो ईशो जी को कैंप है वो थे इलाहाबाद में पहली बारी देखने लग रही हो कि पहले भी इसे कैंप लग दे रहे हैं? ना ईशो कट्ठे दर कौन लग गया जी गांव में? अच्छा लग के कोई लग गया मार गांव में कौन लग गया जी? अच्छा तो इलाहाबाद के हर गांव में कप्तान मीनू बेनीवाल जी या सुविधा लोगों ने लग रही है बा खातर के कुछ करना चाहो? बा कुछ केनो के जान जी माली तरीए साहब लुगाई पता ही दिखाओगी मान लियो आके कमजोर है कप्तान साहब के बारे में के कुछ करना चाहो जी का हर गांव में ये सब कैंप लगा लग। तो कप्तान साहब को तो डुबे थन के वोटा वोट बदेगा वोट बटर तो कई को नहीं और फिर मैं तो कैसे समाज सेवा करनी है। हाँ टिकट लेगा ये बात को नहीं टिकट हाँ तो फ्री कर ला रहे सारा वोट अच्छे रहेगा। अच्छा माहौल सही सही माहौल बनेगा तो थारो किला पासे झुकावे फिर मारो जी नहीं है कैप्टन का नहीं मो गद्दब गया मारे खेत में पानी आ गया जी हाँ। कैप्टन इल्लम हो गया इल्ली मोरी दबा दिया मन तो नाल कर दिया जी नाल हो रहे हो। हाँ हाँ जी पहले आपका धन्यवाद हो और हमारे गांव में जो कप्तान मीनू बेलीवाल जी ने ये जो कैंप लगाया है ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि गरीब आदमी है वो ना कहीं जा सकते ना सिरसा जा सकते ना शहर में जा सकते, उनके आज 25-30 हज़ार रुपये जो लग रहे हैं आज यहाँ फ्रीम करवा रहे हैं तो इनका तो बहुत ही बड़ा पूरा गांव है वो मान लो तय दिल से इन कप्तान साहब का धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी और हमारे गाँव रायपुर में कम से कम 70 एकड़ के जो मोगा लाइन है वो खेतों में पहुंचाई है और जो नहर 1 किलोमीटर थी और आज वो नहर है वो अपने खेत में पहुंच गई क्योंकि पानी वहां से निकलता है और खेत में ही निकलता है। हाँ तो बहुत ये जो आप बता रहे हो इतना जो काम इस क्षेत्र के अंदर इलाहाबाद हल्के के अंदर हो रहा है जी आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये पहली बार हो रहा है क्या? पहले ऐसा काम नहीं हुआ? नहीं हुआ जी कभी नहीं हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, पहले बार ही हुआ है। हाँ जी इतनी हमारे गांव में मान लो बड़े बड़े नेता आते हैं और कह के चले जाते हैं ये होगा वो होगा हाँ। लेकिन आज तक ये जो काम कर रहे हैं कप्तान साहब ऐसा काम कभी नहीं हुआ। बढ़िया काम है जी बहुत बढ़िया काम है। कैंप ला गया होगा मैं अतिथिया बूढ़ा बढ़ेरा मेरे वर्गा दिखा गया मीनू धन्यवाद बोलते हैं काम अच्छा करे। अच्छा। हाँ। कप्तान मीनू बेनीवाल जी इलाहाबाद हल्का का हर गांव में असुविधा लोगों दे ला रही है खातर के कुछ करना चाहूँ? बढ़िया बात है भैया धन्यवाद दे दी और मारू मदद हो ऐसी मदद कर देंगे और मदद जो टाइम आओगे उन टाइम के अनुसार जो मदद बन दी गई आप मदद करनी है वह मदद कर देंगे। अच्छा हाँ बात है आंगली दिखता नहीं खा जा सकता मदद आती है देख लो थे बस वापिस दिख दी भी मदद करने योग हो गया काम तो मदद तो करनी पड़ेगी भैंस दानों खागी तो दूध देगी। अच्छा तो बात मानो दे इलाहाबाद हल्के के अंदर जो काम होने लग रहे वह कमांगे बारे में कुछ करना चाहो? भी काम तो अच्छे होने लग रहे बढ़िया हुआ मौका मिले बिजली मिले और भी सुविधा का में सारा राशन मिले तेल की बोतल मिलने लग रही फुल मोदी देने लग रहे फुल गारंटी है अच्छा तरह सब सुविधा है बूढ़ा बढ़ेरा की पलसन बन रही है
टाइम सिर पेंशन मिलने लग रही है। क्या कप्तान मीनू बेनीवाल जी इलाहाबाद हल्का का हर गांव में आई कैंप लगाने लग रही है, क्या कुछ करना चाहो? नहीं, ये कैंप तो अच्छी बात है, हर आदमी का भी फायदा ही है। सबसे कोई जाइया कौन की बूढ़े बूढ़े रहूँ तो उरे चश्मा दे दें, दवाई गाल दें, तो अच्छी बात है। ऑपरेशन तय करे हैं तो मीनू भाई साहब तो ठीक है। इलाहाबाद हल्का का हर गांव में यह सुविधा लोगों को मिलने लग रही है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, सुविधा मिले तो अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा फायदा फायदो बहुत ही है। इसो कैंप आज तक मारगा में तो लगे को नहीं, वो कैंप लग गया है। अठ लख लोगों को फायदा होया, लख रुपया बचिया है। अब बात है।